इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तत् प्रसादात पराम शांति। जब तक जीव भगवान को पास में नहीं पहुंच जाए, जब तक हम अपना घर में नहीं पहुंच जाए ना, अगर विदेश में जाओ, विदेश में जितने बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था क्यों नहीं हो, लेकिन अपना छोटा सा अगर घर हो, जब तक हम छोटा सा घर में आ जाते हैं कि भैया हम घर में आ गए। अभी हम कहाँ पर आ गए, की बोल से हम की बोल से सुनते अपने, इसलिए कहते हम कहाँ पर आ गए, हम अपना घर में आ गए। इसलिए अपना घर कहाँ है, कहते ये नहीं हमारा घर, हमारा घर क्या है, भगवान का धाम अपना घर है। और वहीं पर ही कृष्ण कहते हैं मेरी प्रसाद से ही जीव को परम शांति मिलती है, वो भगवत लोग हैं। इसलिए जब इसी जगत में भगवान आते हैं, कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सत शिव धाम सहवतन। जब इसी जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आते, पूरा धाम को समेत यहाँ पर उतार लेते हैं। इसलिए ये स्थान को गुप्त वृंदावन बताया गया, मतलब गुप्त रूप में श्री वृंदावन धाम है। कहते अगर कोई वृंदावन धाम परिक्रमा करो, अब केवल एक वृंदावन धाम परिक्रमा फल मिलेगा, लेकिन नवद्वीप धाम परिक्रमा करो एक साथ में वृंदावन धाम नवद्वीप धाम का परिक्रमा तो मिलेगा ही, इसको साथ साथ में आप श्री नवद्वीप धाम और वृंदावन दोनों धाम का परिक्रमा मिलेगा। इसलिए शांतिपुरी स्थान का देखो परिवेश शांति लग रहा है कि चारों तरफ में कोई हई हल्ला नहीं, कितना सुंदर वृक्ष है, इसलिए गुरुदेव कहते वृंदावन में जाओ ना, वहां पर क्या बोले सबके सब श्री राधे राधे बोलते हैं, बोले श्री राधा रानी की कहते, लेकिन यहाँ पर आओ सबके सब गौर गौर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं। गुरुदेव कहते हैं वहां पर जितने पपीहा कोयल सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आओ तो किसका नाम लेते हैं, गौर प्रभानंद। इसलिए कहते उधर वृंदावन में जाओ कदम वृक्ष थमाल वृक्ष वहां पर, लेकिन इधर आओ आम का वृक्ष है, नारियल का वृक्ष है, कटहल का वृक्ष है, इसलिए क्योंकि श्री वृंदावन बोलो। द नेम ऑफ दिस प्लेस इज शांतिपुर, शांति मीन्स पीस, सो हाउ विल गेट पीस, कृष्ण टोल्ड इन भगवद गीता अंटिल अनलेस वी गो टू हिज धाम वी कैन नॉट गेट शांति, दैट इज अवर रियल होम। So once we achieve the mercy of Krishna, we go to his real home, then only we can get peace. So Krishna, when he comes, when he appears with all his associates. So Advaita Prabhu is also one of his associates. So this place is, and by the mercy of Krishna, it gives us lot of peace. So you see this place is very peaceful. So like when we come to Navadvip, we get the double benefit. Like when we go to Vrindavan, we get the fruits of Vrindavan. But when we come to Navadvip, we get the double benefit. Why? Because this place is also called as Gupta Vrindavan. So it's a hidden Vrindavan. So when we come here, we get the fruit of Vrindavan as well as Navadvip. Like Gurudev was telling, there was very beautiful trees in Vrindavan. Here also you can see very beautiful trees which are mainly for the juicy fruits like mangoes and the jackfruits and all these things. So when we come here, we get the double benefit, and here this place name is Shantipur because it gives us the real peace. And when you go to Vrindavan, you know, there are the kadam tree, tamal trees, they are all birds and cuckoo, they are telling Radhe, 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 Radhe. But when you come here, all three of them are telling Nitai Gaur Pramanande. So, इनका एक नाम है अद्वैत आचार्य प्रभु का एक नाम है गौर अना ठाकुर इनका नाम है, क्योंकि हम जो भजन गा रहे थे दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई लब कृपा बले पाई चैतन्य निताई, इसलिए कहते इनकी कृपा से ही हमें श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनकी कृपा से ही मिला, क्योंकि जब इन्होंने इसी जगत में आए उन्होंने देखा सारा दुनिया कैसे कृष्ण विमुख, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, सबके सब काली दुर्गा पूजा उल्टा पुल्टा बलि चढ़ाने सब उल्टा पुल्टा गंदे गंदे काम कर रहे हैं। इसलिए इस सब चीजों को देख करके श्री अद्वैत आचार्य प्रभु बड़े सोचे, अभी इनका उद्धार कैसे हो,
ये सब के सब कृष्ण विमुख होकर जिसके लिए इनको ये मानव शरीर मिला वो काम नहीं कर रहे। किस लिए मानव शरीर मिला? आए थे हरि भजन को, वो भजन के लिए मिला, घर गृहस्थी के लिए नहीं भगवान ने दिया, वो भजन के लिए भगवान ने दिया है। लेकिन जितने सारे जीव है सबके सब कृष्ण विमुख में जा रहे हैं। अभी प्रश्न है, पर इनको इतना क्यों चिंता पड़ी, ये जीव का कल्याण कैसे हो? कहते ये कौन है? कहते महाविष्णु, ये सदाशिव है। यही महाविष्णु जो वो माया के प्रति इखन करते हैं, फिर वो माया खोबित होकर के अनंत ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं। कहते ये महाविष्णु से कारण तो बसाए विष्णु की है, यहाँ अद्वैताचार्य का बता रहे। इसलिए जैसे पिता माता किसी बच्चों को जन्म देते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को रखवाली करना, केवल जन्म देना सब कुछ नहीं, बच्चों को देखनी चाहिए। इसलिए दुनिया इन्हीं की दुनिया है, इसलिए दुनिया जब इन्होंने सृष्टि की तो इनका कर्तव्य भी पालन करना दुनिया को। बोले पालन कैसे होता है? कहते पालन तो खाना पीना देकर के साधारण पालन है, लेकिन जो सही पालन है कहते कृष्ण भक्ति को देख करके पालन करना, ये असली पालन है। और ये जीवन इसलिए मिला, इसलिए श्री अद्वैत आचार्य जो सोच रहे हैं, मैं तो क्योंकि अद्वैत आचार्य महाविष्णु कलिजु का युग धर्म है, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम। कलिजु का युग धर्म है, लेकिन ये अद्वैत आचार्य जिसको प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने देखा ये जो कलियुग है वो साधारण कलियुग नहीं, ये धन्य कलियुग है। क्योंकि हर कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, वो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते हैं, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरें चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियम। ये जो सुभक्ति श्रियम जो प्रेम जो ब्रज प्रेम है, जो मंजरियों का जो प्रेम है, ये केवल महाप्रभु ही ब्रह्मा का एक बार आकर देते हैं। अभी ये सोच रहे हैं हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर सकता, लेकिन ये ब्रज प्रेम मैं नहीं दे सकता, उसको कौन दे सकता है? मेरे प्रभु दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोले जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये चीज नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने महाप्रभु को बुलाया। So the name of Advaita Prabhu Mahaprabhu is given that Gaurana Thakur. So he is the person who brought Mahaprabhu in this world. So why he has brought him? Because when he came, he has appeared before Mahaprabhu. When he came, he saw that the people are wasting their human life. Human life is very precious. It is not for doing our household duties, it is for Krishna bhajan. So when he saw that people are worshipping demigods, they are doing sacrifices and they are doing all type of nonsense, so he became very angry and he was very much worried. Now the question is why he is worried, what is his problem? Because he is the father who has created this universe, he is Mahavishnu. And when he looks at Maya Devi, then this universe is manifested. So it is the responsibility of the parent to maintain. So what is the real maintenance? Is it the food and shelter is the real maintenance? No. You can maintain the body with food and shelter, but for the soul, the real maintenance is Krishna Bhakti. So what kind of Krishna Bhakti he wanted to give? So Rupa Goswami is telling in one day of Brahma. Advaita Acharya is the Sadasi, you know. But this Kali Yuga Dharma is the Maham Hare Krishna Mahamantra. Now he thinks, I can do this thing, I can preaching this world. But this Kali Yuga is the not ordinary Kali Yuga. This is the Dhanya Kali Yuga. So Mahaprabhu always he not came this world. Only Brahma's one day, only one time he came this world. Only he gave this Braj Prema, this Manjari mood. Now Advaita Acharya think, I cannot do this thing, only my Prabhu, Mahaprabhu only can do this thing, and he only gave this thing. Now, so he does so much worried, how can bring to Sriman Mahaprabhu? Abhi wo soch rahe hai, abhi maine Mahaprabhu ki jagat mein laun kaise? Bole isliye unne sare shastra ko dhoonde, dhoonte unke ek shlok mila, Tulasi Dalamatre na Tulasi Chulakne va. Wo shlok mein kehte hai, agar Bhagwan ko एक दल गंगा पानी और उसमें के तुलसी पत्ता दे करके अगर कोई भगवान को बुलाए तो भगवान उसको ऋणी चुकाने के लिए सर पर खुजलाने ले जाते। हम सर कब खुजलाते हैं? जब बहुत ज्यादा ऋणी बन जाए, क्यों? गंगा पानी भगवान की चरणामृत और तुलसी भगवान की, वृंदा ये तुलसी देव भाई
प्रिया कृष्ण भक्ति प्रदेवी। तो कृष्ण भक्ति को देने वाले जो दो चीज है ना, बड़े बलवान वस्तु है। इसलिए उन्होंने बस उन्होंने गंगा पानी तुलसी लेकर के उन्होंने महाप्रभु को पुकारा। पुकारा तो महाप्रभु कहते हैं, सुतिया अछिन्न खीर समुद्र भीतरे निद्रा भंग हैल मोर नरार हुंकारे। इसलिए मैं सो रहा था खीर समुद्र में, लेकिन ये अद्वैत आचार्य ने मेरे आसन को उसने हिला दिया। इसलिए उनका एक नाम है नाड़ा। नाड़ा मतलब होता है हिलाना। उन्होंने उनको पूरा हिला दिया। इसलिए महाप्रभु, इसलिए इनको कहते हैं गौर आना ठाकुर, जिन्होंने इसी जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु को लाए। So how he has brought, he was searching in the scripture and then he has found one shloka which says that if handful of water with the tulsi leaf if you offer to Krishna, then he will be scratching his head. He will be thinking, what can I give? Because both of these things are very dear to Krishna. One is the water from the lotus feet of Krishna, that is Ganga, and another is the giver of Krishna Prem, Vrindaya Tulasi Devi Priya Keshava Shacho Krishna Bhakti Pradeya Devi Shastavata Nama. So both of these are very dear. So he was thinking, what can I give? So when he offered this Ganga Jal and the Tulsi leaf, he is thrown in the milk ocean, started shaking. So as the his throne shake, he was sleeping there. But as because of the invite of Advaita Prabhu, his throne was shaking. So that shaking is called Nada. So that's why Mahaprabhu gave him the name Nada. Nada means who shake. And that's why he brought, and his name is Gaurana Thakur. Mr. Advaita Acharya Prabhu ki jay! He has a very good pastime. Our new Maharaj is going to be. And Sri? परमार्थ महाराज बहुत अच्छी अच्छी बताई इनका। और एक तो मैं कथा सुना देता हूँ। जब महाप्रभु हैं, जब इनका अद्वैत आचार्य का टोल था, इस टोल में वो बच्चों को पढ़ाई करते थे, लेकिन जब महाप्रभु इस जगत में आते वो अकेले नहीं आते, पूरा परिक्रम को लेकर के आते हैं। लेकिन उसी समय जो गीता भागवत पढ़ाने वाले गीता भागवत तो पढ़ाई करते थे, लेकिन कोई कृष्ण भक्ति का व्याख्या नहीं करते थे, केवल आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य को ये सदाशिव के महाविष्णु के शिव है, जो पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, जो पंचमुह में शंकर जी महामंत्र गाते हैं, शास्त्र व्याख्या करते हैं, सारे पुराण विचारता है। इसलिए अद्वैत आचार्य यही उसी समय एक व्यक्ति थे जो केवल कृष्ण भक्ति परक समस्त शास्त्र को कृष्ण भक्ति परक व्याख्या करते थे। लेकिन जो भक्त है महाप्रभु अपना परिक्रम को लेकर के आए हैं, लेकिन महाप्रभु का जितने परिकर सब इनके टोल में जाते थे। क्यों? ये सब हर चीज को कृष्ण भक्ति पर ये व्याख्या करते थे। इसलिए कभी कभी सची मैया अपना बेटा जो निमाई, महाप्रभु जो 3-4 साल बालक थे, बोलते थे निमाई पास में था वो टोल, बोले जाओ बड़े भैया, उनका नाम बड़े भैया का नाम था विश्वरूप, बोले तुम जाओ घर में रोसी बन गई, अपना भैया को बुला कर मिला। अब इसे महाप्रभु जब जाते एकदम नंगे, उस समय तो इतना कपड़ा फोड़ा नंगे, और महाप्रभु जब अंदर शरीर में सारा धूल दूसरी था, महाप्रभु जब उस टोल में प्रवेश करते हैं, अद्वैत आचार्य महाप्रभु को देखकर छोटे बच्चे देख करके सारे पढ़ाई बंद हो जाता है, सारे स्टूडेंट और टीचर ऐसे देखते रहते हैं, ये बालक कौन है अद्वैत आचार्य, कौन अद्वैत आचार्य महाविष्णु, उनका मन को सब नहीं अट्रैक्शन कर सकते हैं, उनका प्रभु ही अट्रैक्शन कर सकते हैं। महाप्रभु आप फाड़ फाड़ कर देखते थे, और जितने स्टूडेंट है कौन है, महाप्रभु के भक्त हैं, महाप्रभु के परिकर है सबके सब, इसलिए सबके सब ऐसे सारी पढ़ाई बंद हो जाता था। और महाप्रभु श्री श्री उनका जो बड़े भाई विश्वरूप का ऐसे कपड़ा पकड़ देते थे, पकड़ कर बोले भैया मैया बुला रही है चलो खाने के लिए, बुला रहे अद्वैत आचार्य देख रहे पहचान नहीं रहे हो, तुमने मिला मेरे को बुलाया और मैं तेरे लिए भाई आया, और तुम मेरे हाथ फाड़ फाड़ देख रहे हो, अभी पहचान नहीं रहे हो, कुछ दिन बाद में तो पहचानोगे। So Advaita Prabhu started a school. That time they used to, in the society, they used to teach Gita Bhagavat, but they don't explain based on the Krishna Bhakti. So, but Advaita Prabhu was the one person who used to explain all this scripture in the basis of the devotion, pure devotion of Krishna. And all Mahaprabhu's associates, they used to go to his school. And when Shachimata... You know why?
then the, you know, when Mahaprabhu came to this world, he not coming alone, he came to the association. So that time they are student, they are Mahaprabhu devotee, you know. But with the devotee, they don't like to, you know, they don't like to without Krishna Bhakti, you know, anything of Krishna Bhakti. Only they want to Bhakti Bhakti. But only Advaita Acharya explained to this thing, why? He is the Shiva. Shiva, what he told him? He is the five mouth always chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. So, it's all scripture. Bhagavad, Ramayana, Padma Puran, all Puran. Who is the speaking? Shiva. Who is the listening? Parvati. So he is the always, you know, always is glorious to Krishna's pastime. So only that time, only Advaita Acharya is such person who is the teacher, always give class about Krishna Bhakti, Krishna Bhakti. So when Mahaprabhu was very small kid, sometime he was not wearing any dress and he was covered with the dust. And Shachimata used to tell, okay, because his elder brother Vishwarup, he was studying in the school of Advaita Prabhu. So Shachimata used to send Nimai that you go and call your elder brother because lunch is ready. It's the time for prasadam. So he used to run. When he used to run and enter into the school of Advaita Prabhu, Advaita Prabhu was get attracted and was looking at him. So he is Mahavishnu. Generally he is not attracted by the Maya Shakti. But this is the Krishna's Maya. So he is attracted towards the Mahaprabhu. And then he used to hold the Uttariya of Vishwarup and used to say, brother, brother, come, let's go. Mother has prepared the prasad. And then he used to look towards Advaita Prabhu. Advaita Prabhu was looking at him like this. And he was used to tell Advaita Prabhu, oh, you don't know me. Who am I? You only called me. I have appeared by listening your call and you are not able to identify me. Okay, one day you will be able to identify. So like that he used to amaze Advaita Prabhu. Advaita Acharya, kade unhone jis samay Advaita Acharya Mahaprabhu apna prakash kiya, apna ashtapriya bhav mein Vishnu ki khatak upar baith gaye aur sare bhakton ko bula rahe the, sare bhakton ka naam bula rahe the. इतने महाप्रभु बोले नाड़ा 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 नाड़ा. बोलो भैया नाड़ा नाड़ा किसको बुला रहे हैं? महाप्रभु बोले मैंने फिर समुद्र में सो रहा था, जिसने मेरे को लाया श्री अद्वैत आचार्य, जाओ उसकी आराधना से ही मैंने इस जगत में आया, जाओ उसको खबर दो, उसको बुला करके लाओ. बात भक्त लोग भाग भाग कर गए, जा करके बोले जिसके लिए तुमने इतने कठोर तपस्या किया, जिसके लिए तुमने इतने आराधना किया, वो प्रभु आ गए, तुम्हारा नाम लेकर बुला रहे, चलो वहां पर. इतने में अद्वैत आचार्य इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए. उनने अपना पत्नी सीता ठाकुर के साथ में थाली में धूप दीप अगुर कर्पूर चंदन सब लेकर के महाप्रभु के लिए आए. लेकिन आकर के अद्वैत आचार्य परीक्षा करना चाह रहे, वो क्या सचमुच से अगर मेरे प्रभु होएंगे वो मेरे को पहचान जाएंगे. फिर उन्होंने नंदन आचार्य के घर में अद्वैत आचार्य छुप गए. जब छुप गए, अगर होंगे तो मेरे प्रभु बुलाएंगे. फिर जो भक्त आते हैं बोले ओ अद्वैत आचार्य मेरे को परीक्षा करना चाहते हैं, वो जाओ नंदन आचार्य घर में छुपा हुआ उसको बुला करके लाओ. अद्वैत आचार्य प्रसन्न होकर के आए और महाप्रभु के चरण में प्रणाम किया. नम महा बोले नम महाबदान्याय कृष्ण नम ब्रह्मण देवाय ब्राह्मण हिताय जगदिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः. तभी से श्लोक में श्री महाप्रभु का चरणों को वंदना और उनको पूजा. सो व्हेन ही मैनिफेस्टेड दैट 21 आवर्स पास्ट टाइम इन द थ्रोन ऑफ विष्णु इन द श्रीवासंगन दैट ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड, देन ही टोल्ड दैट ओके यू कॉल नाड़ा. Then devotees, they were asking, who is Nada? Then he told Advaita Prabhu, the person who has called me here. Then all devotees, they were running and went and told Advaita Prabhu, oh, your life is successful. You are doing so much of austerities for that Krishna. Now he has appeared in the form of Mahaprabhu. So you please come. Then Advaita Prabhu and Sita Thakurani, his wife, they made nice paraphernalia with all this, all this sandalwood and kirpur and all other things, and he came, but he didn't want to come directly.
he wanted to test that is it the real fact that Advaita Prabhu, the Mahaprabhu is the Supreme Personality of Lord. So he was hiding himself in the Nandan Acharya's house. And then when Mahaprabhu saw that the devotees came back without Advaita Acharya, then he realized, then he told, oh, Advaita is hiding in the Nandan Acharya's house. You go and take him. You are test to me. Yeah. So then Advaita Prabhu became very happy. He came here and he met Mahaprabhu, and then he used to glorify Mahaprabhu with this sloka. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya. Now this sloka for Krishna, but Mahaprabhu is not different to Krishna, but by this sloka he appeared. Now Mahaprabhu is very prasanna. महाप्रभु बहुत प्रसन्न बोले तेरे वजह से मैं आया हूँ आज तू जो मांगोगे हम देने के लिए तैयार है जो जी भर कर मांग लो देखो क्या मांगते हैं बोले हे प्रभु आप अगर मुझे देना चाहते हो एक चीज ही मुझे दो बोले क्या चीज दो बोले आप इसी जगत में जो आए हो क्यों आए जगत में कहते ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार आकर के दुर्लभ ब्रज प्रेम को देना चाहते हो और निकुंज सेवा को देना चाहते हो इसलिए आप आए मेरे को एक ही वरदान दो लेकिन हर युग में अपने विचार किया है इसको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए ये योग्य ना अयोग्य लेकिन इसी युग में आप ये चीज को विचार नहीं करना ये योग्य अयोग्य आप दोनों हाथ में लुटाना वो प्रेम को दोनों हाथ से सबको लिटाना चंडाल ब्राह्मण कोई विचार नहीं करना इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं चंडाले ब्राह्मणे करे कुला कुली कभी वाची लाए रंग ले कभी देखा है एक साहब ने चंडाल ब्राह्मण लोग सबको दूर रखते थे लेकिन ये कलयुग में चंडाल ब्राह्मण दोनों गले में गलवैनिया दे करके निताई गौर प्रेमानंद इसलिए उन्होंने इसलिए आप लोग जो आए हैं अलग अलग देश रसिया लंदन फ्रांस अमेरिका जो आए हैं इसका यही कारण है अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को यही वर मांगा था आप बिना विचार किए हुए सबको ये प्रेम देना इसलिए इनकी वजह से ही श्रीमन महाप्रभु सबको प्रेम दिया इसलिए कहते हैं इनको इनकी कृपा से ही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की पा सकते So when Advaita Acharya came, then Mahaprabhu asked, okay, you asked for a benediction. Then Advaita Acharya asked the benediction, which is a great welfare to any jivas. He told that in other yugas you have done discrimination and you have given, you have analyzed who is qualified and who is not qualified. But please give me a benediction that this time you will not discriminate. You will give to everybody without any analysis that who is qualified, who is not qualified. You will give that the topmost, the pinnacle of love, that is Krishna Prem, that is the service of Nikunja, the Manjari Bhav, that you will give. And Mahaprabhu told, so be it. So he has given that. So we all are gathered here today from different parts of this earth. So it is only because of Advaita Prabhu's mercy, because he has asked this benediction to Mahaprabhu. इसलिए कहते नियम है जिसको बुलाते हैं नियम है उसको विदाई भी देनी चाहिए जैसे घर में किसको बुला विदाई देते हैं ना उसी तरह इन्होंने बुलाया महाप्रभु को इनको विदाई देनी चाहिए इसलिए इन्होंने श्रीमन महाप्रभु जब पुरी में थे अद्वैत आचार्य नवद्वीप में थे इसलिए एक भक्त से जगदानंद पंडित ने वो आए थे तब उन्होंने अद्वैत आचार्य ने एक प्रहेली मतलब ऊपर से सुनने के लिए एक लेकिन अंदर में और एक बात है इसलिए उन्होंने एक प्रहेली लिख करके पत्रिका लिख कर भेज दिया हाँ? और महाप्रभु वो पत्र सुन करके इतने गंभीर भक्तों के साथ में बैठे हुए थे अद्वैत आचार्य उन्होंने जब पत्र दिया बोले प्रभु आपको मैंने बुलाया था इसी जगत में आप जगत में आए और जिस काम के लिए आप आए थे सबको आपने प्रेम दे चुका है इसलिए और इसे हाट में ये चावल और बिक नहीं रहा है आपने ऑलरेडी सबको आपने दे दिया अब बिक नहीं रहा है आपने सबको कृष्ण प्रेम दे दिया इसलिए मैंने आपको बुलाया था अगर आप प्रभु की इच्छा हो तो आप तो स्वयं स्वतंत्र भगवान हैं अगर आपकी इच्छा हो तो फिर आप अपना धाम में जा सकते हो बस महाप्रभु सुनते ही गंभीर होकर महाप्रभु अभी गंभीरा में महाप्रभु जिस काम के लिए महाप्रभु आए थे राधारण की भाव आस्वादन करने के लिए माधुर्य पूरा महाप्रभु उसी भाव पे डूबे और एक दिन महाप्रभु ये दुनिया छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए अपना धाम में चले गए इन्होंने ही महाप्रभु को बुलाया महाप्रभु ने विदाई दी
generally the rules is whoever welcomes, he has to give the send-off. So whoever invites, his responsibility also is to give send-off. So when Mahaprabhu was in Puri, he sent a message that was in the form of a puzzle, because if you read it, you will not understand what is the meaning, but there is a deep meaning inside. So only Advaita Prabhu has written that and Mahaprabhu could understand. So Mahaprabhu, after reading that message, he got silent and he realized that it is the time that Advaita Prabhu is telling that, okay, now you have to leave this world. And he was relishing the mood of Radharani in the Gambhira, and one day he has disappeared from this earth. बोलो श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय सच्चिदानंद गौर हरि की जय सच्चिदानंद प्रभु की जय लाई गौर प्रेमानंद हरि इनको बोल दो हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे 3 तारीख को अगर जो जाना चाहते जगन्नाथपुरी परिशिष्ट लीला यहाँ जो लीला किया लास्ट लीला उन्होंने किया जाएंगे रास्ता में खिर जरा गोपीनाथ और साथी के पास दर्शन करते हुए जो जाना चाहते सुंदर सो वी आर गोइंग